पर एक बार फिर चाचा भतीजी यानी रामकृपाल यादव और मीसा भारती के बीच लड़ाई मानी जा रही है, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ रहे उद्योगपति रमेश कुमार शर्मा ने अपनी लोकप्रियता और इलाके में गहरे पैठ की वजह से मुकाबला को त्रिकोणीय बना दिया है। पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के नौबतपुर बड़ा कोपा की मिट्टी से निकलकर शिपिंग कारोबार में बड़ा मुकाम बनाने वाले रमेश कुमार शर्मा ब्रह्मशी समाज से आते हैं। रमेश कुमार ने कहा कि उनके समाज की बहुलता के बाद भी लगातार हो रही उपेक्षा के दर्द ने उन्हें व्यथित कर दिया है, जिसके बाद उन्होंने लंबे चौड़े कारोबारी साम्राज्य को छोड़कर पाटलिपुत्र के मान सम्मान की रक्षा करने को लेकर मैदान में उतर आए हैं। प्रधानमंत्री को एक पार्टी के लिए आना पड़ रहा है, इससे बड़ा दुख की बात क्या हो सकता है। कोई कारनामा नहीं हुआ है। अब मोदी को मोदी कहना ज़्यादा समझदारी होगा। मोदी जी कहते हुए दुख होता है। अभी वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं है। उनको अगर ज्ञान होगा तो उनके लिए देशवासी को मत देने के लिए जागरूक करना चाहिए, न कि एक पार्टी को सिफारिश करके उसको वोट देने के लिए करना चाहिए। अगर जिस ये अंदाज करने वाला है कोई अगर प्रधानमंत्री होगा तो अपना अपना पार्टी दोनों का सत्यानाश करेगा। किदारा बोलते हैं अपने आप को, इससे बड़ा बदनसीबी और क्या हो सकता है। यहाँ माँ बाप पढ़ा करके इंजीनियर डॉक्टर PhD करके डॉक्टरेट करता है, अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखता है। ये ऐसा बेवकूफ़ प्रधानमंत्री आया कि अपने नाम के आगे चौकीदार लगाता है और चौकीदारी करते करते देश से करोड़ करोड़ रुपया लेकर के वो लोग भाग गया, उसको भगाने का मतलब करता है। देश में इतने आतंकी हमले हुए, ये चौकीदार सभी आतंकियों से मिल करके यहाँ हमला करवाता है, क्योंकि जहाँ भी कहीं चोरी होता है वहाँ पे सबसे पहले चौकीदार उसमें सम्मिलित होता है। तो इनफैक्ट विनाश काले विपरीत बुद्धि सरस्वती ने उनके जेवा पे विराजमान होकर के उनको चौकीदार कहवा दिया, और जितने जो बेवकूफ़ लोग के सरदार लोग और हैं सब अपने नाम के आगे चौकीदार लगा लिए। यहाँ सरस्वती की मेहरबानी होती, आशीर्वाद होता तो कर्मवीर लगाते, धर्मवीर लगाते और सूर्यवीर लगाते, लेकिन देखिए कितना पतन हो गया है सोच में, समझ में। और बेवकूफ़ इंसान को ऐसे ही आप प्रधानमंत्री या मंत्री बनाएंगे तो यही हालात।